सीएससी का नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप कैसे चेक कीजिएगा, जिसका कि डेट बढ़ चुका है। गूगल ओपन कर लेंगे आप। गूगल ओपन करने के बाद इसमें आपको डालना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। सीएससी रजिस्ट्रेशन डालने के बाद सीएससी रजिस्ट्रेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिखा आएगा आपको फॉर सीएससी रजिस्ट्रेशन काइंडली, तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है आपको, इट इज मैंडेटरी टू री रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एग्जीक्यूटिव वीएलई। तो ये जो पुराना वीएलई है, जो रजिस्टर्ड करके वीएलई चला रहा था, सीएससी चला रहा था, उसका नया अपडेट करने के लिए मांगा गया था, जिसका कि लास्ट डेट 15 तारीख तक था, 10 दिन बढ़ाया गया है। तो 25 तारीख के बाद अगर डेट नहीं बढ़ता है तो आप लोगों को यहीं पे नया रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप वीएलई है तो आप यहाँ पे जा करके 25 तारीख के अंदर में क्लिक कर टू करंट अकाउंट, री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, OMT ID डाला जाएगा। मैसेज अलर्ट के लिए आप OMT सेलेक्ट कर लीजिए, OTP चाहे फिंगरप्रिंट, और ये कैप्स लॉक डाल करके सबमिट कीजिए। तो इसका नॉर्मली फॉर्म आता है, उसको भर लीजिए, नाम डिटेल एड्रेस वगैरह आता है जो आपने वीएलई में दिए थे। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, जिस सर्टिफिकेट को आप रख सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपको बहुत चीज़ में काम आता है, जैसे कि 1 लाख तक का सीएससी को लोन दिया जा रहा है, उसमें सर्टिफिकेट खोजा जाएगा और आपका एक तरह से अप्रूव हो जाता है, अपने शॉप के ऊपर आप उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले वीएलई जो बनना चाहते हैं, 25 तारीख के बाद मेरा वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉप वर्ल्ड वीके ज्ञान, धन्यवाद।